गया कार, आपको बताया था पिछले साल, दो साल पहले, गया कार का मतलब होता है गेय संबंधी ज्ञान, पढ़ाया था आपको, गया कार माने गेय संबंधी ज्ञान, गेय न काई न थी, गेय का उसमें कुछ नहीं है। वो हो फिर से दर्पण में अपन दिखते हैं, अपनी शर्ट दिखती है, कपड़ा दिखता है, चेहरा दिखता है दिखता है, ये तो सभी कहते हैं, यदि भगवान भी यही कहेंगे तो बात क्या रही। ओहो दर्पण खरीदने गए और अच्छा चेहरा दिखाई दिया तो हमें दर्पण की महिमा आती है, दर्पण बहुत अच्छा है, इसकी पॉलिश बहुत अच्छी है, दर्पण में प्रतिबिंब एकदम एक्यूरेट बनता है। बोलो अब दर्पण में दर्पण दिखता है कि अपन दिखते हैं? बोलो दर्पण खरीदते समय दर्पण की महिमा आई कि अपने आई? घर से आप मेकअप करके निकले थे दर्पण देख के, माने आप एक्यूरेट हो, वेल मेंटेन्ड भाई मोटर गाड़ियों का मेंटेनेंस ही होता है, ये आत्मा की मोटर गाड़ी है उसमें क्या है, इसका एक वेल मेंटेन्ड है। चलो अभी आपको वो खरीदना है, आपको दर्पण अरीसा खरीदना है, अरीसों की अरीसा, हाँ जो भी बोलते हो आप, खरीदना। अब दर्पण सामने रखा है, उधर भी आप अपना चेहरा देखते हो कि नहीं देखते हो? तो चेहरा देखने के लिए देख रहे हो, वहां तो अपन दर्पण खरीदना है ना, इसलिए चेहरा देख रहे हैं और एकदम बढ़िया चित्र बन रहा है, इसका मतलब दर्पण अच्छा है, मैं अच्छा हूं, ये निर्णय तो घर से करके आए थे यहां तो दर्पण अच्छा है। ओहो बोलो भैया बोलो, गेयों को जानना है कि ज्ञान को जानना है? ओहो जिस ज्ञान में द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता सहित गेय जानने में आता है, जानने में आता है, ये ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट स्वच्छता है। आज समझ ले, ले आज समझ ले, अभी से स्वच्छता है, निर्मलता है, ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान के आकार। अब तो समझ में आया आप भाषण, दर्पण का दृष्टांत दिया, जैसे दर्पण में झलकता है निज विस्तार के साथ स्वयं और पर, स्वयं और पर, दर्पण में स्वयं माने दर्पण और पर माने सभा, सभा नहीं सभा का प्रतिबिंब। मैंने सब पढ़ाया, मजा आया मुझे, इतना आनंद आया सप्तमंग पढ़ाने में, मुझे बहुत आनंद आया। ये तो ऐसी बात होती कि जैसे आदमी डांस करे ना कोई, तो कि आज का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद ही खुद की डांस पर मोहित, ऐसे हम अपने ज्ञान के ज्ञान में स्वयं और पर का नाम पर के नाम पर भी दृष्टि झट कहाँ चली जाती है? छह द्रव्य पर, छह द्रव्य पर नहीं, यहाँ तो ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाली है सभा, सभा नहीं सभा संबंधी ज्ञान। ओहो ज्ञान में जो स्वच्छता है वो स्वयं और स्वच्छता में जो झलक रहा है वो पर, ऐसे स्वयं पर प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्वयं पराकार प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान है। लो पहले पद का अर्थ हुआ एक पैराग्राफ में, वहां कितने शॉर्ट में कह दिया था, अर्थ विकल्प वह ज्ञान है, और अमृतचंद स्वामी ने इतना खुलासा किया, बराबर है। एक डाउट हो सकता है इसमें थोड़ा सा, एक ही साथ प्रकाशित हो, ये तो केवली की बात है, पॉइंट पकड़ना है, जिसमें मैंने ज्ञान में अर्थ विकल्प है, जिसमें अर्थ माने विश्व एक ही साथ स्वयं पराकार स्वयं पर के आकार एक साथ प्रतिभाषित हो, उसका नाम तो केवल ज्ञान होना चाहिए। तो केवली की बात चल रही है अपनी, कि सुन यहां एक बहुत समझदारी की बात है, यहां ऐसे नहीं लिखा सकल द्रव के गुण अनंत पर जाए अनंता। आपको पता है मति ज्ञान में छह द्रव्य संबंधी कुछ पर्याय जानने में आती है, क्या कहा मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान, मुझे तो मति ज्ञान की इतनी महिमा आ रही है कि केवल ज्ञान तो उसका फल है, मूल काम तो मति ज्ञान में होने वाला है। माने मति ज्ञान कितना चमत्कारी है,
मति ज्ञान कितना उछलता हुआ है, केवल ज्ञान तो भाई साहब क्या कहें, शादी के बाद की गिफ्ट है। लेकिन सारा काम तो मति ज्ञान में होने वाला है। समझ में आ रहा भैया? चलूं आगे चलूं, क्या कह रहे थे? यहाँ केवली भगवान की बात नहीं चल रही, छह द्रव्य के माने अर्थ के कुछ पर्याय आपको एक साथ जानने में आती है, एक साथ स्वय पर जानने में आता है। एक साथ शब्द काय के लिए यूज किया है? एक साथ माने स्वय और पर। अब भले वो कम कम हो, भले कम कम हो, लेकिन स्वय पर एक साथ जानने में आता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत नहीं बोला, क्योंकि मति ज्ञान का विषय सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत नहीं है। छह द्रव्य की कुछ पर्याय सहित, स्थूल पर्याय सहित उसको ज्ञान होता है, स्थूल बहुत कुछ ज्ञान होता है, पूरा नहीं होता। लेकिन भैया ये ज्ञान भी कितना पवित्र है, जितना केवली भगवान का केवल ज्ञान पवित्र है। मैं आप समझो उस पवित्रता को तो आनंद अभी हो जाए, नहीं तो फिर आपको लग ही रहेगा मेरे को अभी ज्ञान सुधारना है। एक ज्ञान में गे तो नक्की होगी, लेकिन ज्ञान को उसके सामने करना है। फिर से समझो, मिथ्या दृष्टि को कुछ ना कुछ करना मांग ही रहता है। क्या क्या आखिरी करना क्या मांग ही बताए? ज्ञान में गेय का निर्णय करना है, ये बाकी है। और फिर ज्ञान को गेय के सन्मुख कर देना है, ये बाकी है। अरे कुछ बाकी नहीं है, एक ज्ञान को सहज छोड़ दे बस, गेय नक्की हो गया। ये भगवान आत्मा स्वयं, गेय भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल पवित्र है। स्वयं पर को एक साथ जानना है कि नहीं? स्वयं क्या क्या बोला कौन, क्या 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 जानने में आ रहा है? एक साथ स्वय और पर एक साथ जानने में आ रहा है। ऑब्जेक्शन पंडित जी, बस टाइम हो गया। तो पंडित एक समय में तो एक कोई जान सकता है ना, छजमस्त पॉइंट पकड़ एक समय तो एक कोई पकड़ता नहीं, आप तो स्वय पर एक साथ जान रहे हैं, तो ऐसा तो केवली को ही होना चाहिए, अपने को नहीं होना चाहिए। स्वयं स्वयं पर एक साथ जानने में आ रहा है, इसका नाम ज्ञान। और जब उसका लक्ष्य करते हैं तब उसका नाम है श्रुत ज्ञान, या उपयोग पूर्वक जानना। मैंने वहां उसका उपयोग पूर्वक जानने की बात है, लेकिन उपयोग बिना ही, स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, लक्ष्य बिना ही प्रत्यक्ष हो रहा है। स्वय और पर एक साथ जानने में तुम नहीं जान रही, ये अलग बात है। तुम्हें जानना होगा तो स्वय और पर किसी को एक का लक्ष्य करके जानोगे, लेकिन स्वय और पर एक साथ जानने में ऐसा कोई टाइम बताओ जब दर्पण में पर ना झलकता हो। नहीं, ऐसा कोई टाइम बताओ, अपन लाइट बंद कर दें, अंधेरा कर दें, पेटी में पूर दें, बंद कर दें, बोलो तब तो दर्पण में क्या झलकेगा? हाँ, दर्पण कभी भी स्वय और पर के बिना रह सकता, ऐसे ज्ञान कभी स्वय और पर के बिना। स्वय को तो जानना है कि नहीं? अरे जानने में आ रहा है। ऐसा जानकर मस्त हो गया, बाहर कुछ व्यवस्था बची नहीं तो उपयोग बाहर से खल्लास हो गया। अभी व्यवहार अपना उपयोग कौन खा रहा है? अभी समथिंग टू डू, समथिंग टू चेंज, आई विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। जाओ मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर है, अब फिर पढ़ना, फिर विचार करना। ओम नमः शिवाय। चलिए।